हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं मुनीष स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम जस्ट में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं IBPS क्लर्क 3 सितंबर को जो आपका एग्ज़ाम हुआ था थर्ड शिफ्ट का। सेल्फ गिवन रिव्यू मैं आपको देने वाला हूँ कि एग्ज़ाम आपका किस तरीके से, अगर अपकमिंग शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम है तो आपको कितने अटेम्प्ट करने चाहिए, कितने सेफ अटेम्प्ट हैं, और किस प्रकार के पजल या किस प्रकार का क्वांट आया था, और मेरे कितने अटेम्प्ट रहे हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा गवर्नमेंट जॉब की पल पल अपडेट के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे इंग्लिश सेक्शन की। तो इंग्लिश सेक्शन जो था उसके अंदर एक RC था। RC में आपके 7 से 8 सवाल थे। उसके बाद आपका मिस स्पेल्ड था, मिस स्पेल्ड के आपके 5 सवाल थे, और आपका जो था एरर डिटेक्शन से भी सवाल था इस बार, वो भी आपके 5 ही सवाल थे, और आपका एक क्लोज टेस्ट से सवाल था उससे भी 5 सवाल थे। तो यानी कि 15 और 8, 23 सवाल आपके इन सेक्शन से थे। और आपका एक चीज जो थी वो याद नहीं आ पा रही है मुझे, आपका था सेंटेंस रीअरेंजमेंट, वो थे ना PQRS वाले, तो वो 6 सेंटेंस थे, BCDE F, तो इस तरीके के आपके 2 से 3 सवाल थे, और एक दो सवाल आपका और होगा। तो अगर मैं बात करता हूँ इंग्लिश सेक्शन की, तो इंग्लिश सेक्शन जो है वो इजी सेक्शन था। इसके अंदर जो मैक्सिमम अटेम्प्ट रहे हैं लोगों के 25 प्लस ही रहे हैं, और मेरे जो अटेम्प्ट रहे हैं वो 25 रहे हैं इसके अंदर इंग्लिश सेक्शन में। अब मैं बात करता हूँ क्वांट की। तो क्वांट सेक्शन में आपका एक DI था, DI पर आपके 5 क्वेश्चन थे। उसके अंदर कुछ इस तरीके से आपका टेबल बनी हुई थी जो 2016 और 2017 का डाटा आपको दिया हुआ था, और उसके अंदर सिर्फ आपके P, Q और R के डाटा दिए हुए थे जो आपको बताना था। हाँ, क्वेश्चन का अगर मैं लेवल कहता हूँ तो क्वेश्चन जो थे इस पर वो काफ़ी लेंथी थे। क्वेश्चन किस प्रकार से थे, जैसे आर का 2016 में मान लीजिए 84 था, तो उसके बाद ये पूछा था कि जो जेड होगा वो 20% मोर होगा 2016 में जितने आर के कैंडिडेट हैं, इस तरीके से। और एक दो चीज़ें आगे और पूछी गई थी। तो TI के जो सवाल थे वो लेंथी सवाल थे, टाइम कंज्यूमिंग सवाल थे। सिंप्लीफिकेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो सिंप्लीफिकेशन के आपके 12 से 13 सवाल थे, और मिसिंग सीरीज थी आपकी उसके आपके 5 सवाल थे। तो DI के आपके 5 सवाल, सिंप्लीफिकेशन के आपके 12 से 13 सवाल, और सीरीज के आपके 5 सवाल, यानी कि ये आपके टोटल जो हैं 23 सवाल थे, और बाकी जो था वो अर्थमेटिक था। अर्थमेटिक भी आपका 12 से 13 ही था। तो आप देख सकते हैं, या तो ये 12 होगा या ये 13 होगा, या ये 12 होगा या 13 होगा। अर्थमेटिक की अगर बात करते हैं तो 2 या 3 क्वेश्चन को छोड़कर बाकी सारे जो क्वेश्चन थे वो लेंथी थे, उनको कैलकुलेट करने में काफ़ी समय जा रहा था। तो जो मैक्सिमम अटेम्प्ट रहा है वो 28 तक रहा है, और मेरे जो अटेम्प्ट हुए हैं वो 28 अटेम्प्ट हुए हैं इंग्लिश के अंदर, सॉरी क्वांट के अंदर। वहीं अगर मैं रीजनिंग की बात करता हूँ तो रीजनिंग इजी थी। इसके अंदर आपका एक ऑर्डर रैंकिंग का पजल था जिसके अंदर 6% थे, एक मंथ बेस्ड पजल था के अंदर 7% थे, एक आपका बॉक्स पजल था उसके अंदर आपके 7% थे,
और एक आपका फ्लैट फ्लोर था, उसके अंदर आपके 8 पर्सन थे। इन पर आपके 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, और इस पर आपके 4 क्वेश्चन जो हैं पूछे गए थे, यानी कि 19 सवाल जो हैं इनसे पूछे थे। उसके बाद आपका डायरेक्शन का था, डायरेक्शन के आपके 3 सवाल थे। इनइक्वलिटी जो थी आपकी 3 सवाल थे। सिलॉग्स जो थे आपके 4 सवाल थे। और मिसलिनियस की अगर बात करते हैं तो 2 से 3 सवाल आपके मिसलिनियस के थे। एक ब्लड रिलेशन का सवाल था, जिस पर एक ही ब्लड रिलेशन का एक या दो ही सवाल थे, ज़्यादा सवाल नहीं थे। तो इस प्रकार आपका ये रीजनिंग का सेक्शन आया। रीजनिंग में मेरे अटेम्प्ट जो रहे हैं वो 29 अटेम्प्ट रहे हैं, क्योंकि जो मंथ बेस पजल थी उसमें मैं जुलाई की जगह जून लिखता रहा बार बार, तो मुझे वहाँ पर थोड़ा टाइम लग गया, जिसकी वजह से मेरा जो ऑर्डर रैंकिंग वाला था जिसके अंदर 6 पर्सन थे, 6 पर्सन थे, वो कहीं ना कहीं मिस हो गया। तो अगर ओवरऑल अटेम्प्ट की मैं बात करता हूँ तो मेरे जो अटेम्प्ट रहे हैं वो 83 अटेम्प्ट रहे हैं, मेरे जो अटेम्प्ट रहे हैं 83 अटेम्प्ट रहे हैं, 25, 28 एंड 29। अगर एग्ज़ाम के लेवल की बात करते हैं तो एग्ज़ाम का लेवल जो था वो इजी टू मॉडरेट था। क्वांट का लेवल जो था वो मॉडरेट था। बाकी जो 2 सेक्शन थे इंग्लिश और रीजनिंग, उनका जो सेक्शन, उनका जो लेवल था वो इजी लेवल था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।